फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। पिछले ब्लॉग में मैंने बोला था कि आप जो नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हो तो मुझे आप सब्सक्राइब करिए। बड़ा सा थैंक यू जिन लोगों ने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया है, या फिर ये 2-4 दिन में जितने लोगों ने किया है उनका बड़ा सा थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे ना सबके साथ तो ही मेरी वीडियो आगे जा पाएगी। और अच्छी लगती है तो लाइक करिए। जितने भी नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाएगा, मगर मैं इतना हिम्मत करके बनाती हूँ वीडियो, और मुझे सब्सक्राइब हो तो बहुत खुशी मिलती है। नहीं सब्सक्राइब हो तो मैं थोड़ा डल हो जाती हूँ कि इतनी मेहनत की है और किसी को पसंद नहीं आ रहे। सब्सक्राइब करने का मतलब ही यही है कि आपको मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है। तो मैं पंजाब गई थी जब, तो तब मैंने ड्रेस बनवाए थे पटियाला सूट, तो मैं सोचे अभी मैंने पहने नहीं थे, कुछ पहने हैं मगर कुछ नहीं पहने हैं क्योंकि अभी ठंडी का सीजन है, तो मैंने सोचा अभी पहन लेती हूँ। तो पहनने से पहले आपको दिखाती हूँ, तो इतने ज़्यादा हैवी नहीं है, मगर इनके थोड़े ड्रेस के दुपट्टे एकदम प्लेन थे और 2-3 ड्रेस के जो हैवी दुपट्टे थे। तो एक तो ये वाला ड्रेस था बनवाया मैंने, इसका डिजाइन बहुत अच्छा था। एक ये वाला था बहुत अच्छा था, इसमें गोल्डन कलर की मैंने यहाँ पट्टी लगवाई थी और हैंड्स पे भी लगवाई थी, यहाँ पे नेक पे भी, सामने ये बटन नेक पे पहले से ही थे। ड्रेस लेने लिया ना जब, तब से ही ऐसे ही आए थे साथ में। और इसके साथ ये वाला दुपट्टा था, दुपट्टा बहुत इसका हैवी था और अच्छा खासा था और सिंपल में था। सेम डिज़ाइन शर्ट के ऊपर भी है, और ये भी सभी ड्रेस कॉटन में है, ये थोड़ा सिंथेटिक में है। और एक ये वाला था, ये मैंने शायद पहना है मगर आपको नहीं दिखाया था, मैं कहीं पहन के गई थी इसे। ये भी बहुत सिंपल है और ब्लैक कलर की, इसको यहाँ पे लेस लगवाई थी पतली सी। और एक ये वाला, ये बैक फ्रंट है सेम ही है, ये भी बहुत अच्छा था, स्मूथ एकदम कॉटन के लिए थे मैंने ड्रेस। सभी ड्रेस पे जो भी पैंट है ना, पैंट की ये वाली मैंने पाइपिंग लगवाई थी, अच्छी लगती है ये वाली। और एक ये वाला, ये मुझे कुछ लोग आरकंडी बोलते, कुछ लोग एकंडी बोलते, तेलुगु में यहाँ पे सब लोग एकंडी बोलते, और कुछ लोग जहाँ पंजाब में हम लोग रहते थे वहाँ सब लोग ये आरकंडी बोलते। तो ये आरकंडी का ड्रेस है, तो इसको मैं थोड़ा स्टाइल से, थोड़ा सा सिंपली स्टाइल से बनवाया था। यहाँ मैंने फ्रंट पे ना उसे बोला था कि मुझे ऐसे बटन चाहिए, और यहाँ सामने मैंने एक कट रखवाया है, मैं अभी पहनूंगी तो आपको समझ आएगा। और साइडों पे मैंने राउंड करवा दिया था एकदम, थोड़ा ना फ्रॉक फ्रॉक की तरह है ये वाला ड्रेस। और ये भी बहुत अच्छा था, इसकी दुपट्टा भी मैंने वाइट लेके डाई करवाया था, और इसका दुपट्टा भी मैंने वाइट लेके ही डाई करवाया था। और एक ये वाला, ये भी एकदम सिंपल है, मगर इनका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और स्मूथ है, क्या बोलूँ उसके लिए। यहाँ भी मैंने लेस लगवाई थी। और ये वाले ड्रेस की दुपट्टा है ना, एक मैंने इसके साथ शलवार बनवाई थी ब्लैक कलर की, और वाइट कलर का प्लाजो बनवाया था। ये वाला इसका दुपट्टा था, ये भी दुपट्टा बहुत अच्छा था इसका। तो मैं अभी आपको ना जल्दी से पहन के दिखाती हूँ, तो पहने हुए ड्रेस ये कैसे लगते हैं। हो पर फिर भी नशा ना कोई कीता नहीं, तेरी अख चो जाम सी जो पीता नहीं, दारू वाला खड़ा पी गया, हो नी मुंडा खड़ा खड़ा पी गया, हो दारू वाला खड़ा पी गया, हो नी मुंडा खड़ा खड़ा पी गया। ਬਲੀਏ ਹੋ ਨੀ ਜੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲਾ ਬਲੀਏ
नी सूट पटियाला बलिए हो नी जचे तेनु बाला बलिए हो जे तू पाके गेड़ा इक लावे नी लाउंदी अग पानिया नू जावे नी हो जे लाला लाला बलिए हो नी हो जे लाला लाला बलिए।